दोस्तों, जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रिजल्ट आना स्टार्ट हो गया है। आप लोगों का बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर मेरा डिप्लोमा का रिजल्ट कब तक से आएगा, और दोस्तों साथ ही साथ कमेंट आ रहा था कि सर मेरा इतना मार्क्स से सेल्फ फाइनेंस में हो जाएगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका डिप्लोमा का रिजल्ट कब तक से आएगा, और हम लोग बात करेंगे रेगुलर के फर्स्ट लिस्ट पर और सेल्फ फाइनेंस के फर्स्ट लिस्ट, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि किस ब्रांच में सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाता है। इन दोनों लिस्टों पर हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखें। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं हूँ आसिफ, आप देख रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, ये फर्स्ट लिस्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है और ये 2020 का है और ये रेगुलर का है। और दोस्तों, ये देख सकते हो, ये 27 को लिस्ट निकला है और आपका एडमिशन कराने का डेट मिला है जो 7 to 10 दिसंबर, यानी आपको 4 दिन मिला है आपको एडमिशन के लिए डेट। और ये देख सकते हो, ये सब सारे डॉक्यूमेंट है, मैंने डॉक्यूमेंट पर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप देख लेना। और दोस्तों, ये वीडियो आपके कमेंट पे ही था, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर मेरा सेल्फ फाइनेंस में हो जाएगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और दोस्तों, जैसे ही रिजल्ट आएगा आपका 2021 का, तो आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हो, आप फर्स्ट लिस्ट में ही आपका सेकंड लिस्ट का डेट दिया हुआ है, तो इस बार भी आपका फर्स्ट लिस्ट में ही सेकंड बार का लिस्ट डेट दे दिया जाएगा। और आपके साथ इस बार वेटिंग लिस्ट भी निकल रहा है दोस्तों, ये इस साल हुआ है, बाकी पिछले साल से नहीं निकल रहा था। तो और हम लोग देखेंगे सबसे हाई कटअप किस पे जाता है। तो ये आपका देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिकल का है, जनरल का 81.25 है, मुस्लिम का 74 है और मुस्लिम ओबीसी का 70.75। यहाँ जामिया आमिर का है, यहाँ पर जामिया इंटरनल का है, आप ये देख सकते हो। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है। और हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट ब्रांच। तो नेक्स्ट ब्रांच आप ये देख सकते हो, ये उन बच्चों का है जिनका एडमिशन सिलेक्शन हुआ है, ये फर्स्ट लिस्ट का है। तो हम लोग इसको करके नीचे की ओर जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड ब्रांच की कटअप, फिर हम लोग देखेंगे सेल्फ फाइनेंस की लिस्ट। तो आप ये देख सकते हो, ये सिविल इंजीनियरिंग का है, जनरल का है 92.50, यहाँ पर मुस्लिम का है 80.75, मुस्लिम वोमेन का है 78.75, ये मुस्लिम वोमेन का है, जामिया इंटरनल का है, के आप देख सकते हो, ये सब सारे सिविल इंजीनियरिंग का है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ब्रांच का, तो आप इसको करके नीचे की ओर जा रहा हूँ मैं। और आप यहाँ देख सकते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये 77.75, और यहाँ पर देख सकते हो 73, और ये मुस्लिम ओपन का 69.25, ये आपका सब है। और हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ब्रांच का कटअप, ये सारे बच्चे का है जिनका सिलेक्शन हुआ है, कैटेगरी में कैटेगरी दिया है, यहाँ पर देख सकते हो, ये मुस्लिम कैटेगरी का है और इससे ऊपर था, आप यहाँ देख सकते हो, जनरल का है, ये सब जनरल बच्चे का है, और भी ऊपर है जनरल का। तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ब्रांच का कटअप, आप यहाँ देख सकते हो, ये जो है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का। दोस्तों, सबसे हाई कटअप है इसी का है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ही, आप देख सकते हो 102.75, ये जनरल का गया है, मुस्लिम का 89 गया है और मुस्लिम ओबीसी का 81 गया है। तो दोस्तों, सबसे हाई कट ऑफ कंप्यूटर के ही जाता है, आप यहाँ देख सकते हो सारे लिस्ट में से। अब मैं आपको दिखा दूँ, ये जनरल में देख सकते हो, जनरल में इतने बच्चे का सिलेक्शन हो रहा, ये जनरल का है, और देखो जनरल में 31 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट लिस्ट में। और आप यहाँ देख सकते हो मुस्लिम का है, तो आपका हर एक कैटेगरी का अलग अलग दिया हुआ है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ब्रांच का कटअप है, जो एक यहाँ पर देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, यहाँ जनरल का क्या है 85.50 और मुस्लिम का क्या है 77.25, मुस्लिम ओबीसी का क्या है 72.50। तो दोस्तों, सबसे हाई कटअप जो जाता है कंप्यूटर का ही जाता है। तो दोस्तों, ये था फर्स्ट लिस्ट, ये जनरल का था, सॉरी रेगुलर का था, ये रेगुलर का था। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे सेल्फ फाइनेंस का, देख सकते हो ये फर्स्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट है और ये 2020 का है और ये दोस्तों सेल्फ फाइनेंस का है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हो, इनका भी है 1 फरवरी से 3 फरवरी तक आपको एडमिशन के लिए डेट मिला है। और ये आप यहाँ देख सकते हो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस का है, ये तो सेल्फ फाइनेंस का देख सकते हो, जनरल का गया है 61.75, यहाँ मुस्लिम का गया है 56, मुस्लिम ओबीसी का गया है
52.25। यहाँ मुस्लिम वोमेन का है, आप ये देख सकते हो, ये इन बच्चे का सिलेक्शन हुआ है जनरल में। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ब्रांच का कटअप, तो आप यहाँ देख सकते हो नेक्स्ट ब्रांच का कटअप जो गया है यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का और सेल फाइनेंस का है। यहाँ पर गया है जनरल का 56.75, मुस्लिम का गया है 53 और मुस्लिम ओबीसी का गया है 51.25 या मुस्लिम वोमेन का गया है 34। तो दोस्तों ये था कटअप। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट ब्रांच का कटअप, फिर हम लोग देखेंगे आपका रिजल्ट कब तक से आएगा। तो आप यहाँ देख सकते हो नेक्स्ट ब्रांच का कटअप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सेल फाइनेंस का, ये इसका भी गया है जनरल का 59 और मुस्लिम का गया 54.50, मुस्लिम ओबीसी का गया 51.75, मुस्लिम वोमेन का गया 30। ये आप देख सकते हो ये सब सारे कमेंट सारे कटअप हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, तो आपको नेक्स्ट कटअप जो मिल रहा है आप यहाँ देख सकते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही उन बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ है। अब ये देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, यहाँ पर है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, इसका भी कटअप गया है 77.25, मुस्लिम का गया 65, मुस्लिम वोमेन का गया 63, मुस्लिम वोमेन का गया 39.75, जम्मू इंटरनल का गया 32.50 और गेम का गया 48। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा हाई कटअप इसी का रहता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का, आप देख सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपका मार्क्स कितना है और आपका किस में चांस है। तो दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं आपका रिजल्ट कब तक जाएगा। तो दोस्तों बहुत सारे कोर्सों का रिजल्ट आ गया है, तो आपका भी 2 से 3 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ये पूरा चांस है दोस्तों, आपका पूरा चांस है कि आपका ये 2 से 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपकी ये वीडियो बहुत अच्छी लगे, क्योंकि ये वीडियो आपके कमेंट पे ही था। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आप जिस कोर्स का भी इंटरेस्ट दिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, और जैसे ही रिजल्ट आएगा आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएंगे। और जो भी आपका डाउट हो, जो भी कमेंट में आप दोगे उसका रिप्लाई के द्वारा मैं आपको डाउट को दूर कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच।